अल्लाह ताला कुरान मजीद में मुख्तलिफ मुकामात पर हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र खैर फरमाता है, कहीं तो आप अलैहि सलाम का किस्सा तफसीलन मजकूर है और कहीं इक्तसार के साथ बयान हुआ है। यहाँ कुरान और सुन्नत और इसराइली रवायात की रोशनी में हम इस किस्सा को कदर तफसील से बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला किस्सा हजरत मूसा अलैहि सलाम की तलखीज़ बयान फरमाता है। फरमाया जा रहा है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का सही सही वाकिया लोगों के सामने बयान कर दें, बिलहक का मतलब है इतनी सच्चाई के साथ गोया आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। बेशक फिरौन मुतकबर और सरकश बन गया सरजमीन मिस्र में, और इसने बना दिया वहां के बाशिंदों को गरो गरो, यानी वो जाबर बन गया, सरकशी पर उतर आया, तागूत की रोश इख्तियार कर ली और अल्लाह ताला की नाफरमानी को अपना दस्तूर अमल बना लिया। इसने दुनियावी जिंदगी का इख्तियार कर लिया, अपने परवरदिगार बुजुर्ग व बत्तर की अतात से मुंह मोड़ लिया, अपनी रियायत को कई गरोहों फिरकों और जमातों में तकसीम कर दिया, मुआशरे को मुख्तलिफ तबकों में बांट दिया। इस बागी ने अपनी रियायत में एक गरोह को जलील ख्वार समझ लिया, यानी बनी इसराइल की कौम जो अल्लाह के नबी हजरत याकूब बिन इसाक बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और अपने वक़्त के लोगों में से दुनिया पर सबसे बेहतर कौम गिने जाते हैं, इन्हें वो हकीर समझता है। ये जालिम बागी काफर और फाजर बादशाह इन पर मुसलत हो गया, इन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर अल सनाउफ हरब के शिकंजे में जकड़ दिया, जो इस दौर का जलील तरीन और कमीना शख्स शुमार होता था। लेकिन इसके जुल्म व सितम का जज्बा इससे सर्द नहीं हुआ और जालिम हुक्मरान ज़िबा किया करता इनके बेटों को और जिंदा छोड़ देता इनकी औरतों को। बेशक वो फिसाद बर्पा करने वालों में से था। इस सेल शनी पर जो चीज़ इसे उभारती वो बनी इसराइल के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का वो कलाम था, जिसको वो दोहराते रहते थे और एक दूसरे को सिखाते रहते थे, जिसमें एक ऐसे बच्चे की बशारत का भी जिक्र था जो इन्हें मुल्क मिस्र से निजात देगा और गुलामी की जिंदगी से इन्हें खुलासी बख्शेगा। कहा जाता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र तशरीफ लाए और हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा के हुस्न व जमाल पर बादशाह मिस्र फरेफ्ता हुआ और इन्हें हरम में लेने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने मुआजाना तौर पर इन्हें बचाया, तो इस वक्त इन्हें यह भी बशारत दी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरे खानदान से पैदा होने वाला बच्चा इस जुल्म का खात्मा करेगा। ये बशारत नसल दर नसल मुंतकिल होती आई। बनी इसराइल की गुलामी के दिनों में भी इसी की शोहरत बाकी रही। मिस्र के कपती भी अपनी मजलिसों में इसका तज़करा करते। एक दिन बादशाह मिस्र तक ये बात पहुंच गई, शायद किसी किस्सा गो ने इसका तज़करा किया या इसके बाद अम्र आयान मुमलिकत ने। बस इसी दिन से इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हाँ जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर दिया जाए ताकि ये बशारत पूरी ना हो सके। मगर हजार एहतियात भी तकदीर से नहीं बचा सकती। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसूद और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हों से रवायत करते हैं कि फिरौन ने ख्वाब देखा, गोया एक आग बैतल मुकद्दस की तरफ से मिस्र की जानब बढ़ती चली आ रही है, जिससे मिस्र के तमाम शहर और कपती नस्ल के तमाम लोग जल जाते हैं, लेकिन ये आग बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। फिरौन नींद से बेदार हुआ तो खौफ के मारे कांप रहा था। फौरन अपने तमाम कहानों जादूगरों और मोबरों को इकट्ठा किया और ख्वाब की ताबीर मांगी। कहानों ने कहा बनी इसराइल के हाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ पर अहले मिस्र हलाक हो जाएंगे। कहते हैं कि इसने इसी दिन हुक्म दे दिया कि इनके पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों को जिंदा रखा जाए। फिरौन ने हजरत मूसा को पैदाइश के दिन से ही मार देने की सर तोड़ कोशिश की, हत्ता के जासूस और दाया फिरती और देखते कि बनी इसराइल के हाँ कोई बच्चा तो पैदा होने वाला नहीं। जू ही किसी बच्चे की विलादत होती फौरन इस मासूम को ज़िबा कर दिया जाता। अहले किताब कहते हैं कि फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म इसलिए सादर किया था इनकी शौकत और ताकत ना बढ़ने पाए, क्योंकि इसे खौफ था कि अगर वो बढ़ गए तो हो सकता है कि मुकाबला करें और मिस्रियों पर गालिब आकर इन्हें महकूम बना लें या इंतकामन इनका सफाया कर दें। लेकिन इनका यह कहना महल नज़र है, बल्कि इसे बिल्कुल मन घड़त और बातिल ख्याल करना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बच्चों को कत्ल का यह दूसरा हुक्म हजरत मूसा की बासित के बाद सादिर हुआ, जैसा कि इरशाद खुदावंदी है।
फिर जब मूसा लेकर आए इन लोगों के पास हक हमारे हां से, तो इन्होंने कहा कि कत्ल कर डालो इन लोगों के बच्चों को जो इनके साथ ईमान लाए, और जिंदा छोड़ दो इनकी लड़कियों को। सही नजरिया यही है कि फिरौन ने बच्चों को कत्ल करने का पहला हुक्म इसलिए दिया कि मूसा पैदा होते ही कत्ल हो जाए। फिरौन तो बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल आम कर रहा था, लेकिन तकदीर मुस्कुरा कर कह रही थी, ए जाबर बादशाह, ए अपने लश्कर और कुव्वत के नशे में मस्त फरमा नरवा, ए जिसके सामने पूरा मिस्र सजदा करने को तैयार नजर आता है, सुन ले इस अजीम जात ने फैसला सादर कर दिया है जिस पर ना कोई गलबा पा सकता है और ना कोई इसके हुक्म को रोक सकता है। वो जिसके फैसले अटल होते हैं, कोई इनकी मुखालफत की जुरत नहीं कर सकता। कि जिस मालूद से बचने के लिए तू हजारों बेगुनाहों के खून से हाथ रंगीन कर रहा है, वो तेरे ही घर में तेरे बिस्तर पर तेरे ही हाथों परवान चढ़ेगा, तो इसे अपने हाथों से खिलाएगा पिलाएगा और अपने घर में लाड़ प्यार से इसकी परवरिश करेगा। तू इसे अपना बेटा बनाकर रखेगा, खुद इसकी तरबियत करेगा और इस पर फिदा होता फिरेगा। लेकिन ऐ जाबर, दुश्मन खुदा इस राज से एक पल के लिए भी बाखबर नहीं होगा। फिर तेरी दुनियावी बादशाहत इसी परवरदा के हाथों ख़त्म होगी, और इसी बच्चे की तकजीब और इसके दीन के हक की मुखालफत की वजह से तू आखरत में जलीलो ख्वार और अबदी अजाब का मुस्तहिक बनेगा। इस दिन तेरी आँखें खुलेंगी और तुझे पता चलेगा, और तू और कायनात की हर चीज़ गवाह होगी कि आसमानों और ज़मीनों का रब जो चाहता है करता है, कोई इसके फैसलों को टाल नहीं सकता। वो कवि और ज़बरदस्त है, वो बड़े मर्तबे और बुलंद शान का मालिक है। कायनात का हर एक फर्द इसके इशारे से अपने अपने दायरा कार में मसरूफ अमल है। इसकी मशियत के सामने हर चीज़ बेबस और मजबूर है। कप्तियों ने फिरौन के दरबार में आकर शिकायत की, बनी इसराइल के बच्चों की कत्ल की वजह से इनकी तादाद बहुत कम रह गई है, और डर है कि बड़े बूढ़े भी एक दिन गुजर जाएंगे और इस तरह मुफ्त के मजदूर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। दरअसल कप्तियों को ये अंदेशा सता रहा था कि बनी इसराइल की नस्ल कशी मुकम्मल हो गई तो फिर ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। बहरहाल फिरौन ने हुक्म दिया कि एक साल बच्चों को कत्ल किया जाए और एक साल इन्हें छोड़ दिया जाए। उल्मा फरमाते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माफ़ी के साल पैदा हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के साल। आपकी वालदा को जब हमल की गरानी महसूस हुई तो बहुत परेशान हुई, पहले दिन से हमल को छुपाती रहीं, और कुदरत खुदावंदी से इन्हें देखकर किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता था कि आपके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। जब बच्चा पैदा हुआ तो इन्हें अलहाम हुआ कि संदूक बनाकर इसे रस्सी से बांध लो, और जब ख़तरा लाहक हो तो बच्चे को इस संदूक में रख कर दरिया में डाल दो। आपका घर नील के बिल्कुल किनारे पर था, इसलिए आप बच्चे को दूध पिलाती रहीं। जब किसी जालम से खौफ होता, सोई इसे संदूक में रख कर दरिया में बहा देती और किनारे पर रस्सी का सिरा पकड़ कर बैठ जाती, और जब बच्चों के कातिल वापस चले जाते तो आप बच्चे को निकाल लेती। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने अलहम किया मूसा की वालदा की तरफ कि इसे बेखतरा दूध पिलाती रहो, फिर जब इसके मुतालिक तुम्हें अंदेशा हो तो डाल देना इसे दरिया में, और ना हिरासा होना और ना गमगीन होना। यकीनन हम लौटा देंगे इसे तेरी तरफ, और हम बनाने वाले हैं इसे रसूलों में से। पस दरिया से निकाल लिया इसे फिरौन के घर वालों ने, ताकि अंजाम कार वो इनका दुश्मन और बायस रंजो अलम है। बेशक फिरौन हमान और इनके लश्करी खताकार थे। और कहा फिरौन की बीवी ने, ये बच्चा तो मेरी और तेरी आँखों के लिए ठंडक है, इसे कत्ल ना करना, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे अपना फर्जंद बना लें। और वो इस तजवीज़ के अंजाम को ना समझ सके। यहाँ वही से मुराद अलहाम और दिल में किसी ख्याल का डाल देना है, जैसा कि कुरान मजीद की एक और आयत से साबित है, और डाल दी आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात कि बनाया कर पहाड़ों में अपने छत्ते और दरख्तों की शाखों में और इन छपरों में जो लोग बनाते हैं, और फिर चूसा कर हर किस्म के फलों से रस, चलती रह कर अपने रब की आसान की हुई राहों पर, यूं निकलता है इनके शक्मों से। इमाम सहेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मायदा का इसम गरामी अयार खां है, कुछ लोग इनका नाम अयाज खत भी बताते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से इनकी रहनुमाई की गई,
और इनके दिल और शऊर में ये बात डाल दी गई। हज़न व मलाल और खौफ की कोई बात नहीं, अगर चंद लम्हों के लिए तेरा बच्चा तुझसे बिछड़ भी गया तो अल्लाह ताला इसे तेरे पास लौटा देगा और वो नबी मरसल होगा, दुनिया व आखरत में इसकी शोहरत इज्जत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अरसे तक चलती रहीं। कुदरत खुदावंदी के एक दिन बच्चे को संदूक में डाल नील में बहा दिया, लेकिन मामूली सी गफलत से रस्सी हाथ से छूट गई और संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के घर के करीब से गुजरा। पस दरिया से निकाल लिया इसे फिरौन के घर वालों ने ताकि अंजाम कार और इनका दुश्मन बायस रंजो अलम हो। मुफसरीन फरमाते हैं कि लौंडियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बंद संदूक को दरिया से निकाल लिया और इस वक्त तक किसी को खोलने की जसारत ना हुई जब तक फिरौन की बीवी हजरत आसिया के सामने इस संदूक को ना रख दिया गया हो। बाज उल्मा का ख्याल है कि हजरत आसिया का ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान और बनी इसराइल से था। एक कौल ये भी है कि आसिया के रिश्ते में आप अलैहिस्सलाम की फूफी थी। ये राय इमाम सहली रहमतुल्लाह अलैह की है। वल्लाम हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने संदूक खोला और पर्दा हटाकर देखा तो हजरत आसिया इसे चमकते चेहरे को देखकर हैरान रह गई। नूर नबूवत जू फशा था और जलालत मूसवी से आंखें खैर हो जाती थीं। नज़र पड़ते ही हजरत आसिया तो दिल से फरेफ्ता हो गईं। फिरौन आया और पूछने लगा ये क्या है। इसे जब इस बच्चे की बाबत बताया गया तो इसने हुक्म दिया कि इसे फौरन ज़िबा कर दिया जाए। हजरत आसिया ने बच्चे की जान बख्शी की इल्तजा की और कहने लगी मेरे लिए इस बच्चे की जान बख्श दें और इसे कत्ल ना करें। फिरौन के सोए हुए जज्बे को उभारने के लिए कहने लगीं ये बच्चा तो मेरी और तेरी आंखों के लिए ठंडक है। फिरौन कहने लगा तेरी आंखों के लिए तो ठंडक हो सकता है लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुसीबत जुबान की वजह से नाजिल होती है। हजरत आसिया ने कहा शायद ये हमें नफ़ा दे। आसिया को तो वो नफ़ा अल्लाह ताला ने अता कर दिया जिसकी उम्मीद लगाए हुए थी। दुनिया में इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से हिदायत नसीब हुई और आखरत में इन पर ईमान लाने की वजह से जन्नतुल फिरदौस की बहारें नसीब होगी। हजरत आसिया कहने लगी फिरौन इस मासूम बच्चे के कत्ल से क्या फ़ायदा है, ये हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है या इसे हम अपना फर्जंद बना लें। शायद इसी वजह से इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया क्योंकि इनके यहाँ औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाता है और वो इस तजवीज़ के अंजाम को ना समझ सके यानी इनके वहमो गुमान में भी ना था कि अल्लाह ताला इन्हें इसी बच्चे के जरिए निस्तो नाबूद करेगा और फिरौन और इसकी बादशाहत का खात्मा इसके हाथों पर मुकद्दर हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाता है और मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया, करीब था कि वो जाहिर कर दे। अगर हमने मजबूत ना कर दिया होता इसके दिल को ताकि वो बनी रहे अल्लाह के वादे पर यकीन करने वाली। और इसने कहा मूसा की बहन से कोई इसके पीछे पीछे हो ले, बस वो देखती रही दूर से और वो इस हकीकत को ना समझते थे और हमने हराम कर दी इस पर सारी दूध पिलाने वालियां। इससे पहले तो मूसा की बहन ने कहा क्या मैं पता दूं तुम्हें ऐसे घर वालों का जो इसकी परवरिश करें तुम्हारी खातिर और वो इस बच्चे के खैर ख्वाह भी हों। इस तरह हमने लौटा दिया इसको इसकी माँ की तरफ ताकि इसे देखकर इसकी आंख ठंडी हो और इसके फराक में गमजदा ना हो। और ये भी जान ले बिला शुबा अल्लाह का वादा सच्चा होता है लेकिन अक्सर इस हकीकत को नहीं जानते। हजरत इब्ने अब्बास और दीगर मुफसरीन फरमाते हैं कि हजरत मूसा की वालदा की बेकरारी और घबराहट की वजह से सिवाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और कुछ याद ना रहा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में कयाम पजीर हुए तो हशम व खदम ने कोशिश की कि बच्चा किसी औरत का दूध पीने लगे लेकिन इसने किसी का दूध ना लिया और ना कोई और खुराक खाई। वो इस सूरत हाल को देखकर बहुत परेशान हुए, हर मुमकिन कोशिश की कि बच्चा कुछ खाए पिए लेकिन बेसूद, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है और हमने हराम कर दी इस पर सारी दूध पिलाने वालियाँ। इससे पहले बहुत सारी औरतें और दाइयाँ आपको लेकर बाजार में आईं कि हो सकता है कि किसी औरत का दूध बच्चे को मुआफिक आ जाए। बाजार में लोगों का झमघट्टा लगा था, सब देख रहे थे कि फिरौन का मुतबना देखो कैसी औरत का दूध लेता है। इसी असना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की इन पर नज़र पड़ गई
कि ये तो मूसा हैं और इन्हें दूध पिलाने की सरतोड़ कोशिश हो रही है। बच्ची आगे बढ़ी और ये इजहार ना किया कि मैं इसे जानती हूँ, बल्कि ला इल्मी के अंदाज में बोली, क्या मैं तुम्हें पता दूँ ऐसे घर वालों का जो इसकी परवरिश करें तुम्हारी खातिर और वो इस बच्चे के खैर ख्वाह भी होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब बच्ची ने यह बात की तो फिरौन के खादिम कहने लगे, क्या वजह है कि तू नसीहत कर रही है और बच्चे की खैर ख्वाही पर इन्हें उभार रही है। बच्ची ने कहा, चूंकि मैं बादशाह की खुशी और इसके भले की ख्वाहिशमंद हूँ इसलिए ये कह रही हूँ। लोगों ने बच्ची को छोड़ दिया और इसे साथ लिए घर चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ ने गोद लिया, जूं ही दूध देना शुरू किया फौरन आपने दूध पीना शुरू कर दिया और पस्तान चूसने लगे। लोग बहुत खुश हुए और खुशखबरी देने के लिए हजरत आसिया के पास भागे भागे गए। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा से फरमाया कि आप मेरे घर में रहें, मेरे साथ ही इसी महल में, आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और कहा, खामद और बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ, इन्हें मेरी ज़रूरत है। हाँ, आप बच्चा मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इसे साथ ले जाती हूँ। हजरत आसिया मान गईं और मूसा अलैहिस्सलाम को साथ घर वापस आ गए। हजरत आसिया ने इनकी बड़ी खातर मदारत की और इन्हें उजरत में कपड़े खाने पीने की चीज़ें और दूसरा सामान दिया। आप अपने बेटे को सीने से लगाए वापस तशरीफ लाईं और माँ बेटे की जुदाई विसाल में बदल गई। अल्लाह ताला फरमाता है, तो इस तरह हमने लौटा दिया इसको इसकी माँ की तरफ ताकि इसे देखकर इसकी आंखें ठंडी हों और इनके फराक में गमजदा ना हों और वो ये भी जान लें कि बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा होता है, यानी वो वादा जो इसे लौटाने और रिसालत अदा करने के बारे में किया है वो सच्चा है। इस बच्चे का फिरौन के महल से लौट कर वालदा की गोद में आना इसी बात की दलील है कि इसकी देखभाल कुदरत खुद कर रही है और वो इसे नबूवत रिसालत से भी ज़रूर सरफराज फरमाएगी।